नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 इन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। नए मोटर व्हीकल कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर के ट्रक ड्राइवर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस कानून में हिट एंड रन को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसका विरोध ट्रक ड्राइवर्स कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और हरियाणा में ट्रक ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हड़ताल की वजह से, इस विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से केंद्रीय गृह सचिव की बातचीत होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में आज शाम 7 बजे ये बातचीत होगी। गृह सचिव और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बीच यहाँ बातचीत होगी। बातचीत के बाद क्या कुछ यहाँ सहमति बनती है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन शाम 7 बजे दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में ये अहम मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ये बातचीत होगी। नए कानून के विरोध की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि ये कानून यात्रियों की मदद के लिए है। यहाँ लगातार हड़ताल है और बसों की हड़ताल की वजह से यात्रियों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहा है, ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यह बताया कि ये कानून दरअसल यात्रियों की ही मदद के लिए। हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जैसे कि वो सजग रहे, तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कहते लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना होगा। सर, उनके ड्राइवरों का कहना है कि भीड़ से बचने के लिए वो भागते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है जब, या किसी एक्सीडेंट की बात नहीं है, हिट और रन की बात है। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो आप लोग समझाइए। तो सरकार ने हिट एंड रन में जो नया कानून बनाया है, किस मकसद की वजह से बनाया है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझाते हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्या फायदा इससे होगा। देखिए, हिट एंड रन रोकने के लिए ये एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। रोड एक्सीडेंट्स होने पर लोगों की जान बचे, इसके लिए ये पहल की जा रही है। सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए ये नया कानून लाया गया है। अब घायलों को अस्पताल ले जाने पर जमानत मिलेगी, नए कानून में इस बात का जिक्र है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर सजा में भी बड़ी राहत मिलेगी और साथ ही एक्सीडेंट के बाद हादसे की जगह से भागना गैर जमानती अपराध हो जाएगा और 10 साल की सजा, 10 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कड़ा कानून जो है यहाँ पर बनाया गया है। अब हम आपको हिट एंड रन में पुराना कानून क्या था वो बताते हैं कि पुराना कानून जो आईपीसी की धारा थी वो उसमें क्या कहा गया था। देखिए, लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस यहाँ पर दर्ज होता था और गैर इरादतन हत्या का केस यहाँ दर्ज किया जाता था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि धारा 338 जो थी वो कहती थी जिंदगी को खतरे में डालने का केस इसके तहत दर्ज होता था। अब हादसे की जगह से भागने और अस्पताल पहुंचाने वाले दोनों पर एक जैसा कानून तब लागू हुआ करता था, पुराने कानून में ये बात थी। और आरोपी को तुरंत जमानत मिलने का प्रावधान भी पुराने कानून के अंदर था, जिसे बदल दिया गया। आरोपी को 2 साल की सजा का प्रावधान पुराने कानून के अंदर था और यही वजह है कि जब नया कानून लाया गया है तो इसका विरोध किया जा रहा है। ये हम आपको समझा रहे थे कि आखिर पुराना कानून क्या था, उसके तहत प्रावधान क्या था। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे हम उनका रुख करते हैं। अमिताभ, लगातार यहाँ हड़ताल जारी है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पुराने कानून को हटाने के पीछे सरकार की मंशा यही थी कि जो सड़क हादसे होते हैं उसमें घायलों की जान बच सके, फिर इसका विरोध क्यों? बिल्कुल, जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें हो रही मौतों को लेकर सरकार काफी चिंतित थी और भारत उसमें अपनिंग देश बन गया था जहां पर सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे थे। इसलिए जो कानून बदले, जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, जो सालों पुराने कानून थे, उनको सरकार ने बदला है हाल में ही संसद के शीतकालीन सत्र में। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले कि अब जो अगर एक्सीडेंट के बाद अगर कोई हिट एंड रन में अगर रुकता है, अगर अगर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है तो उस पर जमानती वारंट होगा, ऐसा नहीं अवेलेबल होगा जो भी ऑफेंस होगा, और लोग तब अपनी जिम्मेदारी उठाने से बचेंगे नहीं और लोगों की जान भी बच पाएगी। मुख्य मुद्दा है लोगों की जान बचाना, ये संदेश है इस पूरे के पूरे कानून का।
क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाता है हिट एंड रन में, अगर भाग जाता है तो जमानती अपराध माना जाएगा और 10 साल की सजा होगी। अगर कोई गलती कर रहा है हिट एंड रन करके भाग रहा है, अगर उनको अगर सरकार कानून में उनकी सजा का प्रावधान कर रही है तो आखिर गलत क्या है। तो इसीलिए सरकार की चिंता इस बात की है कि आखिर इस नए कानून पर झूठ बोलकर ट्रक ड्राइवर्स को कौन भड़का रहा है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स भी अगर अपनी दिशा में चलाएं, अगर लेन में ड्राइविंग करें, अगर जो बाकी रूल्स को फॉलो करें तो एक्सीडेंट अपने आप कम जाएंगे। तो जाहिर है ये कानून सरकार ने बनाए हैं मृतकों की संख्या घटाने के लिए और उन लोगों में डर कम करने के लिए जो सड़क पर घायल को छोड़कर भाग जाते थे या फिर एक्सीडेंट देखकर भी अपनी जुबान बंद कर रखते थे कि कहीं पुलिस उन पर भी कोई सजा न कर दे। तो मुझे और इसलिए ये साफ है कि सरकार की मंशा कि जो अमिताभ, आज शाम 7 बजे दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक बातचीत भी होने वाली है, मीटिंग भी होने वाली है, क्या यहाँ से समझा जाए, क्या इस मीटिंग से कोई हल निकलेगा? देखिए, क्योंकि इस हड़ताल से, इस ट्रकर्स की हड़ताल से काफी पैनिक हो रहा है, लोग सामान जगह पे नहीं पहुंच रहा है, अगर सब्जियां सही जगह पे नहीं पहुंचेंगी तो कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल सही जगह नहीं पहुंचेगा तो उसकी किल्लत होगी, तो तमाम चीज़ें हैं। लोग ठंड में अगर बस स्टैंड पे खड़े हैं, अगर बसें नहीं आ रही हैं, ट्रक नहीं, अगर मूवमेंट नहीं हो रही है, बसें नहीं आ रही हैं, तो ठंड में लोगों की मूवमेंट कैसे होगी? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको दूर करने के लिए सरकार ने पहल की है, इन तमाम लोगों से बात करने के लिए। लेकिन सरकार की चिंता यही है कि नए कानूनों पर झूठ बोलकर ट्रक ड्राइवर्स को भड़का कौन रहा है, इसलिए उनको उनको समझाने बुझाने की ये कोशिश है सरकार की। आइए मिल कर बात करते हैं, उसको सुलझाते हैं। बिल्कुल अमिताभ, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल पुराने कानून के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं, नया कानून लाया गया है और कोशिश यही है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें घायलों को बचाया जा सके। हालांकि इसका विरोध हो रहा है और विरोध की वजह से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब इसे लेकर आज शाम 7 बजे एक मीटिंग भी होने वाली है, क्या वहां से हल निकलता है इस पर भी नजर रहेगी। पल लागे